हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं और कोरोना के जैसे कि हालात चल रहे हैं, तो सभी लोग अपने घर पर ही हैं। ऐसे ही मैं भी अपने घर पर ही रह रहा हूँ। और ये पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो इतना टाइम क्यों लग गया, तो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि मार्च का जो मंथ होता है हम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम टाइम होता है। अब माशाल्लाह ये मार्च में ही इतनी छुट्टियाँ मिल रही हैं, तो इसका फ़ायदा उठाए हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको वीडियोस में बताया था। आज का नया जो टॉपिक है वो है एचसीएफ, जिसे हम मोस्टली इसकी मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको बता देता हूँ, एचसीएफ जो है वो दो तरीके से निकलता है। एचसीएफ दो तरीके से निकलता है। नंबर वन, दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो आप ये वाला मेथड पक्का कर लेंगे। और दूसरा वाला है, दैट इज़ द डिवीज़न मेथड। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। वहीं डिवीज़न मेथड में आप, अगर आप डिवाइड जानते हो तो आप डिवाइड से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है एचसीएफ में। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और जिनमें से पहला क्वेश्चन है प्राइम तो जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था, आप अगर यहाँ पे जैसे कि 4 है तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है आपको, तो आप क्या करते थे, ऐसे डिवाइड, ऐसे क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ 4, देन 2 1 ज़ 2। ठीक है, और ऐसे ही 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसके दो पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, और तीसरा पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी मैं इसको आपको शो करूँगा। खैर, तो जैसे कि इसमें 8 आ रहा है तो जो 8 जिसके लास्ट में आता है तो वो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि ये 4 है, आप इस 4 को यहाँ लिखिए, और ये 8 था, इस 8 को आप यहाँ लिखिए। ठीक है, अब इसके ये जो दो फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद ये 8 के फैक्टर्स जो आए हैं 2 2 2, इन्हें आप यहाँ लिख दीजिए। एज यू सी, मैंने इसके फैक्टराइजेशन लिख दिया, 2 2 ज़ 4 ही होता है, 2 2 ज़ 4 और 4 2 ज़ 8 ही होता है। तो आपको अब क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे हम, ये देखिए, ये दोनों इसके अंदर 2 है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। दो भाई एक साथ आए तो एक नीचे कूदेगा, और ऐसे ही ये दो और आ रहे हैं, ये दो भाई एक जैसे आए तो एक नीचे कूदेगा। ठीक है, अब ये 8 वाले फैक्टर्स में ये 2 रह गया है, इसका कोई साथी नहीं है ऊपर, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बाकी जो 2 आए तो इसको आंसर करते हैं, 2 2 ज़ 4 होता है, और ये इसका HCF आ गया है, यानी HCF ऑफ 4 and 8 is 4। ठीक है,
दरअसल होता क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तरह से आप इन दोनों में ये फाइंड करते हो कि ये दोनों नंबर, ठीक है, ये दोनों नंबर सबसे ज़्यादा किस टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया 4 के ही टेबल में 4 और 8 दोनों एक साथ आते हैं। वैसे 2 के भी टेबल में आते हैं लेकिन ज़्यादा, ठीक है, आप इसको धीरे धीरे समझेंगे। मैं हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं अब आगे। अब जो क्वेश्चन आया है वो है 4 और 12, तो हमें HCF निकालना है 4 और 12 का। कैसे निकालेंगे, पहले मैं 4 और 12 को लिख देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 2 2 2 1, मेरे ख्याल से लगता तो नहीं कि मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब 12 का देखते हैं, तो लास्ट में क्योंकि 2 है तो आप 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे, याद है ना, 2 4 6 8 0, तो लास्ट में 2 है तो 2 6 12, फिर 6 आ गया, याद है ना, 2 4 8 6 0, तो 6 है ना, तो 2 3 6, 2 × 3 6। इसके बाद अब 3 आ गया, देखो, तो 2 4 6 8 0, 3 तो आ नहीं रहा, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दोबारा हमारा जो स्टेप होता है वो 4 और 12 मैंने लिख देता हूँ। 4 के जो फैक्टर्स थे वो मेरे पास ये रहे, और 12 के फैक्टर्स मेरे पास ये रहे। ठीक है, 2 2 4 4 3 12, 2 2 4, 2 × 2 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन देखते हैं हम, तो इसमें ये 2 कॉमन है, दोनों 2 by 1 जैसे हैं, तो 1 by नीचे उतरेगा, और ये 2 by 1 जैसे हैं तो 1 by नीचे उतरेगा, तो 2 × 2 = 4। ठीक है, तो दोबारा से 8 और 4 का भी हमारा, जब हमने HCF लिया तो उसका आंसर भी 4 आया, और यहाँ 4 और 12 का भी HCF मैंने लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो मेरे पास 4 ही आया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 और 10 का मुझे HCF लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं 12 और 10 को यहाँ लिख दिया। अब मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 6 12, 2 3 and 3 1 3 × 1 is 3, देन 0 आ रहा है तो मैं 2 से भी कर सकता हूँ डिवाइड, 5 से भी। ठीक है, तो मैं 2 से करना पहले पसंद करूँगा। ठीक है, तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें या आगे जैसे कि आपको LCM में बताऊँगा, तो LCM करें या HCF करें, जो भी आप जब भी अप्लाई करें तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, छोटे नंबर से पहले अप्लाई करने में फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो अब 5 आ गया मेरे पास, फिर भी वैसे आंसर तो आपका सेम ही आना होता है, थोड़ा आपको छोटे नंबर से डिवाइड करने में क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब मैं 12 और 10 मैंने ये लिख दिए हैं, और इनके अब मैं फैक्टर्स लिख देता हूँ। 2 × 2 × 3, ये 12 के फैक्टर्स हैं, और ये 10 के फैक्टर्स 2 और 5। तो पहले क्या हो रहा था कि हमने देखा था 2 कॉमन आ रहे थे 2, तो मैंने लिख दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी है, तो एक तो ये कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थ्री है, नीचे नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉमन आया वो क्या आया है, वो खाली टू आया है। यानी HCF जो आया है मेरे पास किन का, 12 और 10 का, वो आया है ओनली टू। ठीक है, आई होप आप लोग इन छोटे छोटे क्वेश्चन से समझ गए होंगे। थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो हैं 15 और 20। ठीक है, तो 15 का मैं और 20 का, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करता हूँ। एक तरह का डिवाइड ही होता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बिगनिंग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो लास्ट में 5 आ रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर आपने कहा कि छोटे नंबर से डिवाइड करो पहले, तो 3 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, लेकिन जिनके नंबर लास्ट में 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। वैसे तो मैंने बोला है कि आँख बंद करके आप लोग इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 से जिसके लास्ट में 0 और 5 आए, तो मैं मेरा मन तो भाई 5 से करने का हो रहा है, तो फिर भी रूल्स आर रूल्स, छोटे नंबर से कर देते हैं। 3 5 15। ठीक है, और 5 × 1 दैट इज 5। अब यहाँ आ जाते हैं, तो फिर वही बात, छोटे नंबर से करने का मन है तो मैं 2 से कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा ये 2 से हो रहा है, तो 2 5 10, 2 × 5 दैट इज 10, देन 5 × 1 इज 5। तो मैं लिख देता हूँ इनके फैक्टर्स, यहाँ 3 है, तो क्योंकि अब ऊपर 3 है नीचे नहीं है, ऊपर 5 है और नीचे भी है, तो इन्हें तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और नीचे 2 है, ऊपर नहीं है, नीचे दूसरा 2 है, ऊपर नहीं है, तो एक ही सिंगल 5 है, तो इनको मैंने 5 ले लिया। यानी HCF जो आया किन का, HCF जो आया 15 और 20 का, वो की मेरा 5 है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को HCF थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे कैसे HCF लिया जाता है। और मेरा 5th वाला क्वेश्चन है 18 और 21 का। ठीक है, तो पहले की तरह मैंने इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ। 2 9 18, और यहाँ 1 आ रहा है, तो 2 वाली सीरीज़ में ये तो आता नहीं, तो मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ। 3 7 21 होता है, यहाँ 3 3 9 होता है, 3 × 3 दैट इज़ 9, एंड देन 3 × 1 दैट इज़ 3, एंड 7 × 1 दैट इज़ 7। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 18 के फैक्टर्स हैं और 21 के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे 2 है, नीचे नहीं है, यहाँ पर 3 है और नीचे भी है। ठीक है, ऊपर 3 है और अकेला 3 बचा है, नीचे दूसरा कोई 3 है नहीं, नीचे 7 है, ऊपर नहीं है, जो कॉमन आया वही है। ठीक है, तो HCF क्या आया हमारा 18 और 21 का, वो है 3। लास्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि ऑड नंबर्स होते हैं और इसके साथ ही प्राइम नंबर भी होते हैं, तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये कैसे होगा, तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इनको सिंपली जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही HCF इनका करेंगे और
डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 17 और 19, क्योंकि किसी भी टेबल में 17 और 19 किसी भी टेबल में नहीं आते, ये अपने ही नहीं टेबल में आते हैं। तो 17 इंटू 1 दैट इज 17 एंड 19 इंटू 1 दैट इज 19, और दोबारा 17 लिख दीजिए, दोबारा 19 लिख दीजिए, और यहाँ 17 और यहाँ 19। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनके तो कोई फैक्टर्स है नहीं, तो सर हम इनमें कॉमन क्या लें, भला कोई एक नंबर तो दिखाना पड़ेगा ना 17 और 19 का। सर HCF क्या आएगा है ना, कुछ ना कुछ तो आपको शो करना पड़ेगा ना सर। तो उसका एक मात्र तरीका है जो किसी के टेबल में नहीं आता, एक ऐसा टेबल है एक नंबर का एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल में हर नंबर आता है, और वो एक मात्र एक ऐसा नंबर है जिसको हम सबसे पहले बुलाते हैं, और वो है 1, दैट इज़ द 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 19 इंटू 1 इज़ 1। तो इसका एक और फैक्टर मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ और यहाँ में वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं हुआ, अभी भी 17 इंटू 17 ही है, और 19 इंटू 19 भी 19 ही है, ठीक है। तो 17 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 19 ऊपर नीचे है, ऊपर नहीं है, लेकिन 1 दोनों जगह है। तो इनका कॉमन नंबर है वो है 1। ऐसे ही 31 और 37 का हम लोग ऐसे ही 31 और 37 का प्राइम फैक्टराइज HCF लेंगे। तो उसका क्या तरीका है, वही 31 लिखेंगे और 37 लिखेंगे, और फिर वही पुरानी कहानी, ठीक है। तो 31 इंटू 1 दैट इज 31 एंड 1 इंटू 1 दैट इज 1, 37 इंटू 1 37 एंड 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। 31 और 37 मैंने लिख दिया है, और इनके फैक्टर्स ये रहे सर आपके सामने, जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले में मतलब जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनको आप ऐसे ही डिवाइड करेंगे। अब ये आंसर है इसका 1 आ गया है, यानी इनका HCF 1 है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक HCF अब तक समझ में आ चुका होगा और कैसे करते हैं। अब तक शायद आप बड़े नंबर से अप्लाई ना कर पाएँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग ऐसे ही इनको अगर खुद भी ट्राई करेंगे इन्हीं सभी क्वेश्चंस को, तो आप खुद भी इन्हें कर पाएंगे। और इसके साथ ही आपका थोड़ा सा मैं होमवर्क दे देता हूँ, अच्छा लगा तो जल्दी ट्राई करो और इन्हें अप्लाई कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो कमेंट आते नहीं, फिर भी आपके मैं हर कमेंट को देखता हूँ। तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें।